Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएसएन 7 न्यूज और खरगोदा से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, समीर खान की खास रिपोर्ट। मेरठ के थाना खरगोदा क्षेत्र के लोहिया नगर में एक लड़की के साथ हुए रेप के मामले में पुलिसिया कार्रवाई ना होने से नाराज रेप पीड़िता अपने परिजनों के साथ एसएसपी दफ्तर पहुंची। इंसाफ की गुहार लगाते हुए रेप पीड़िता ने बताया कि 20 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस ने अभी तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। पुलिस उसे बराबर टरका दे रही है। पीड़िता की माने तो आरोपी लगातार उसको और उसके परिवार को मारने की धमकी दे रहे हैं। खरगोदा के लोहिया नगर की रहने वाली लड़की का आरोप है कि करीब 20 दिन पहले शराब माफिया पाशा पीड़िता को घर से उठाकर ले गया और अपने एक साथी के साथ मिलकर रेप किया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसने इस पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ थाना खरगोदा में मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन तब से अब तक पुलिस ने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। लगातार थाना पुलिस उसे टरका दे रही है, लेकिन अधिकारी एक दूसरे पर टाल देते हैं और रेप पीड़िता को चक्कर काटने को मजबूर किया जा रहा है। आज एसएसपी से मिलने पहुंची रेप पीड़िता ने मीडिया से बताया कि आरोपी लगातार उससे उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जबकि पूर्व में पुलिस अधिकारियों ने इस बात के मद्देनजर रेप पीड़िता और परिवार वालों को पुलिस प्रोटेक्शन देने की बात कही, लेकिन प्रोटेक्शन अभी तक ना मिलने से रेप पीड़िता और परिवार के लोगों के ने अपनी जान का खतरा लगातार बताया है। इतना ही नहीं, पीड़िता ने कहा कि थाना खरगोदा पुलिस आरोपियों से सांठगांठ किए हुए है, जिसके चलते पुलिस अभी तक भी कार्यवाही नहीं कर रही। पीड़िता ने यह भी कहा कि वह उन पुलिस कर्मियों को पहचान लेगी जो आरोपी से मिलते जुलते रहते हैं। बाइट पीड़िता, बाइट देवेश कुशवाहा, सीओ की ठोड़। इसी तरह की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थाना खरगोदा क्षेत्र अंतर्गत एक लोहिया नगर महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है। कोई शहजाद और पाशा नाम के व्यक्ति पर चिल्ड्रन थिएटर का मामला, क्या पूरा मामला और क्या इतना कार्रवाई की है? शहजाद पाशा के खिलाफ महिला ने अभियोग पंजीकृत कराया है, जिसमें गंभीर धाराएं लगी हैं। दुष्कर्म का आरोप है, उस पर शहजाद पाशा की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। शहजाद पाशा घर छोड़ के बहुत दिन से फरार है, काफ़ी समय से फरार चल रहा है। अन्य मुकदमों में भी उसकी तलाश है और हमारी टीमें लगी हुई हैं, जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसको जेल भेजा जाएगा। शहजाद पाशा का प्रोफाइल क्या है? शहजाद पाशा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहा है, पूर्व में काफ़ी मुकदमे हैं उसके खिलाफ। एचएस है, थाने का एचएस है, उस पर निगरानी हो रही है उसकी, उसका गिरफ्तारी के पूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महिला का भी एक आरोप है कि शहजाद पाशा आईए के साथ बैठे हुए बातचीत करते हैं, वो कार्रवाई नहीं कर पाते, क्या कारण है? नहीं, ऐसा ये आरोप निराधार है। आईओ लगातार उसके गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं और पूर्व में भी उस आईओ ने उनको गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा था। कुछ दिन पहले उनको जेल भेजा था, अभी जमानत पे छूट के आए थे और दोबारा फिर उनको गिरफ्तारी करने का प्रयास किया जा रहा है।